तो क्या समस्या है आप लोग की? हम लोग एग्री जंक्शन केंद्र है, तो सरकारी केंद्र है, सरकार की तरफ से ब्लॉक वाइज चयन हुआ था हम लोगों का, और इसमें सरकार ने हम लोगों को 3.5 लाख रुपए का लोन भी दिया था। तो अब हम लोग क्या है कि छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, खाद लेने आए थे। 3 दिन से ड्यू कटा हमारा 21 तारीख का, ठीक है। यहाँ पर ठेकेदार साहब से कहा जाता कि सर गाड़ी लोड करा दो, ये कहते नहीं आप लोगों की कोई गाड़ी लोड नहीं होगी। 3 दिन से परमानेंट गाड़ी आ रही है हम लोगों की और यहाँ से लेके चली जाती, 15 किलोमीटर झांसी से यहाँ रक्षा आती और चली जाती 30 किलोमीटर, 2000 रुपये पर हमें भाड़ा देना पड़ रहा। 3 दिन से 6000 रुपये ये हो गया हम लोगों का, और हम लोगों पे खाद तो दिया ही नहीं जा रहा। अभी कहा जा रहा था कि तुम लोगों को बिजनेस करना है तो करो, नहीं तो हम तुम लोगों को आंसू रुला देंगे, कहीं ये कर देंगे, कहीं वो, बिजनेस नहीं करने देंगे, इस तरीके की धमकी दी जाती है। और गाड़ी की बात करो भाई साहब, लोड करवा दो, नहीं आप लोगों की कोई लोड गाड़ी नहीं होगी। इसकी शिकायत आपने कहाँ दी? इसकी शिकायत हमने डीओ साहब को की और सब लोगों से की, इफको वाले सर हैं जो, उन लोगों से, सब लोगों से की। तो वो बोलते हम लोगों का कोई बस में नहीं है और जो ठेकेदार कहेगा वो ही होगा। जैसे कितने लोग परेशान हो आप लोग? हम लोग सब एग्री जंक्शन पूरे झांसी जिले के एग्री जंक्शन सभी लोग। तो इससे कितना क्या नुकसान हो रहा है आप लोग को? नुकसान क्या हो रहा है कि दुकान का किराया नहीं निकल रहा है, लेबर का किराया नहीं निकल रहा है, लोन नहीं चुका पा रहे हम लोग। अब 1 महीने में अगर एक गाड़ी दी जाएगी, इसमें 5000 रुपए इनकम है, 1000 रुपए का खर्चा आता है, अब 4000 रुपए में 1 महीना निकल जाएगा क्या? नहीं, वो किसान इतनी बुरी तरीके से परेशान हो रहा है कि पैडी इतना कम, 200-400 किसान आता भाई साहब, खाद ही नहीं मिल रहा भाई। बोल देते 3 दिन से कि भाई साहब आ रहा खाद ही नहीं दिया जा रहा, समस्या इस चीज। और जी, और आरोप लगाया जा रहा कि ये लोग 350 रुपए की बोरी बेच रहे हैं, 275 में बिक रही है। अगर मैं बगल में बैठ के 350 रुपए की अगर बोरी बेचूंगा, कौन खरीद लेगा? जब सोसाइटी सहकारिता समिति 266 का रेट है और 275 में बेच रही है सर, उससे कोई नहीं कहा जा रहा, जबकि हम लोग उसी रेट में 75 में हम लोग बेच रहे हैं। हम लोगों से कहा जा रहा कि नहीं आप 350 की बोरी बेच रहे हो। तो प्रशासन आई थी, प्रशासन किस लिए? प्रशासन कोई सुन नहीं रहा है, प्रशासन सब पूरा मैंने ही है सब। हाँ, हम लोगों की जिले के जितने अधिकारी हैं सबके पास हम लोग हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं। अब कौन सा कदम उठाओगे, सुनवाई नहीं होगी? कुछ नहीं, तो अब बस यही है। हम लोग यहाँ पे आए थे, हम लोगों ने थोड़ा यहाँ पे बैठ गए धरने पे, लोडिंग नहीं हुई कि भैया जब आप लोगों की परमानेंट गाड़ियां जा रही है, 20-20 गाड़ियां उनकी जा रही है, हम लोगों की 3 दिन से गाड़ी वापस जा रही है, तो हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठ गए। कोई दिक्कत नहीं, भाई साहब ने फोन लगा दिया 101 नंबर, सर लोग आए तो उन लोगों ने कहा कि इन लोगों को भी खाद दिया जाए, तो अब वो बहाना बनाने लगे कि नहीं ARM साहब हैं तो वो कहेंगे तो देंगे, वरना हम नहीं देंगे। और अभी तक वरना ये कहा जाता था कि नहीं, अब तो जो ठेकेदार साहब कहेंगे हृदय साहब वही होगा। आपकी समस्या जो रहा? यही हमारी समस्या है, खाद नहीं दिया जा रहा, 17 तारीख का आरओ कटा है फिर भी नहीं दे रहा। यदि आपके पास खाद नहीं है तो हम लोगों से पैसा लेके कागज क्यों बना के दे दिए जाते हैं? पहले ही मना कर दिया जाए कि हमारे पास खाद नहीं है, आप पैसा नहीं दो। नहीं होगी सुनवाई तो इस तरीके से कब तक बैठे रहोगे धरना पे? नहीं, धरने पे नहीं, कल सुन रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं तो उनके पास जाएंगे, अपना लेटर लेके पहरोली में आ रहे हैं, झांसी आ रहे हैं तो उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि सर जैसे, और सरकार की तरफ से चयन है 3.5 लाख हम लोगों को लोन दिया गया, अगर खाद नहीं मिलेगा हम लोगों को तो हम लोग कैसे बिजनेस करेंगे बताओ? खाद की वजह से कुछ किसान आते कीटनाशक और अन्य चीज ले जाते हैं तो 2 पैसे कमाने को मिलते हैं, अगर नहीं है तो सरकार ने हमें फिर क्यों 3.5 लाख रुपए कर्ज दिया? 12% जिस पे ब्याज देना पड़ रहा है हम लोगों को, कहाँ से भरे हम लोग ये बताइए सर? अब 2 महीने में 2 गाड़ी दी गई है, अब 2 गाड़ी में कैसे खर्चा निकलेगा हम लोगों का? यदि पीसीएफ के पास स्टॉक नहीं है, डेली का वो अपना मिलाते हैं शाम को स्टॉक, पीसीएफ के पास स्टॉक नहीं है तो फिर ये कागज हमें क्यों दे दिए जाते हैं पैसे लेके? ये न दिया जाए ना कि हमारे पास स्टॉक नहीं है, स्टॉक खत्म हो गया हमारा, पहले से मना कर दिया है, पहले मना करते हैं हम लोग, पैसा फंसा हुआ है हमारा, कागज बना के दे दिया, अब इसका हम क्या करें? ये पहले काट के दिया गया है कि सतीश कुमार के पास खाद अवेलेबल है, आप इनके यहाँ से उठा सकते हैं। मैंने इनको फोन लगाया, बोले ठीक है गाड़ी लेके आ जाओ, और फिर भी खाद नहीं दी जा रही है। ठेकेदार ने मना कर दिया, बोले खाद किसी को नहीं दी जाएगी, तो बस ठेकेदार की चल रही है और किसी की नहीं चल रही है, कोई भी अधिकारी लेने को तैयार नहीं है। धमकी कौन दे रहा है? अगली साल भी बिजनेस करोगे? धमकी कौन दे रहा है? ठेकेदार साहब, ठेकेदार द्वारा धमकी दी गई के बोले देख लेंगे हम आपको अगली साल कराना सिखा देंगे, इस साल थोड़ी बिजनेस करना है, पूरा सीजन पड़ा अगली साल का, बोले खून के आंसू बहाएंगे। सहकारी समिति में जाने के लिए पीसीएफ वहाँ से इनको जो भी रिपोर्ट चाहिए तत्काल लिखित में मांगे, इनको लिखित में मिल गया।
हाँ, एक बार वहाँ चले जाओ, गलत तो नहीं कह रहा, सही बात है, समस्या है, समस्याओं का समाधान आपको वहाँ हो जाएगा। आपके पास चालान कितने एमटी के हैं, माल कहते के एमटी, गूगल करो, गूगल कर दो, हम पैसा क्यों डालें भाई, पहले बढ़ जाने दो, हम पैसा नहीं डालें, अब ब्याज का पैसा वापस नहीं आ रहा। आपको स्टॉक मिलाता है डेली, हम लोगों को क्यों देते हैं, ये क्यों बना के, आप ले जाओ इन सब।